दोस्तों आज रिपेयरिंग के लिए हमारे पास ये एमर्सन कंपनी का लाइन इंटरेक्टिव ऑफलाइन यूपीएस आया है। इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए एसएमपीएस 12 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद इसको ऑन करके देखते हैं। जो भी फॉल्ट होगा उसको सोल्व करेंगे, रिजोल्व करेंगे। एक बार ऑन होने की कोशिश करता है, उसके बाद ये फॉल्ट पे चला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या चेक करना है। अगर यूपीएस फॉल्ट पे जाता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक मेजर कारण, इसके मॉस्फेट यहाँ पे शॉर्ट हो जाते हैं। कभी कभार मॉस्फेट शॉर्ट नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे केस में है। यहाँ पे ड्राई हो चुके हैं ये देखिए। मल्टीमीटर से चेक किया तो मॉस्फेट ओके हैं, लेकिन यहाँ पर ये ड्राई पॉइंट है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अगर ड्राई पॉइंट हो तो पहले एक बार फ्लक्स लगा के प्रॉपर इसकी सोल्डरिंग करके चेक कर लें, उसके बाद भी दिक्कत रहती है तो आगे चेक करें। अगर इनको ड्राई पॉइंट को सोल्डर करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो आपका यूपीएस यहाँ पे रिपेयर हो जाता है। इसके पॉइंट को हम यहाँ पे सोल्डर करते हैं, चेक करते हैं। जो ड्राई पॉइंट थे उन पे हमने फ्लक्स लगा के प्रॉपर तरीके से उनकी यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है। इसके बाद हम इसको पेट्रोल से साफ भी कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। आउटपुट पर मैंने LED बल्ब लगा दिया है। SMPS पे कनेक्ट करता हूँ। लोड कम है इसलिए यहाँ पे LED बल्ब लगाया मैंने, क्योंकि SMPS हमारा जो है ज़्यादा बियर नहीं करेगा। ये अब यहाँ पे ओके हो गया है। फ्रंट पैनल पे भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आउटपुट हमने पहले ही चेक कर ली है। जो पहले यहाँ पे फॉल्ट पे जाता था अब वो यहाँ पे फॉल्ट पे नहीं जाएगा। ये बैकअप मोड पर आ गया है। पहले बैकअप पर आते ही विद इन ए सेकेंड ये फॉल्ट पर चला जाता था। अब ये प्रॉपर यहाँ पे बैकअप मोड पे है, फॉल्ट पे नहीं गया है, ना ही कोई बजर अलार्म है। आउटपुट भी हमने चेक कर लिया है। यहाँ पे हमने इसको रिपेयर कर लिया, सिर्फ ड्राई पॉइंट इसके ऊपर था, यहाँ पे मॉस्फेट के ऊपर। आप भी इस तरीके से चेक करके, हो सकता है ड्राई पॉइंट से सोल्डर करने से आपका यहाँ पे यूपीएस रिपेयर हो जाए।